स्टॉक मार्केट में नए लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह से सीख लेते हैं, फिर चार्ट में जाके ढूंढता रहता है उनका सीखा हुआ पैटर्न कौन सी स्टॉक या इंडेक्स में बना है। बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न जैसे बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, थ्री व्हाइट सोल्जर्स एक्सेट्रा, ये सब अगर उन्हें एक बार दिख जाए तो वह तुरंत बाय कर लेते हैं। और बेयरिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न्स जैसे शूटिंग स्टार, बेयरिश आरामी, इवनिंग स्टार एक्सेट्रा अगर दिख जाए तो वो तुरंत सेल कर देते हैं। और 80% टाइम उनका ये डिसीजन गलत हो जाने के कारण उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। और ऐसे बार बार लॉस होने के बाद या तो वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर किसी गुरु का तलाश करते हैं उनके पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फिर से सीखने के लिए। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको जितना भी बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न से उसे परफेक्टली ट्रेड कैसे करें सिखाऊंगा। इस टेक्निक में आपको अलग अलग पैटर्न्स के लिए अलग अलग रूल्स गाइडलाइंस याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। सभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश मारुबोजू, हैमर, बुलिश हरामी, पायरसिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, थ्री व्हाइट सोल्जर, जितना भी बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न से वो सभी को इसी एक टेक्निक का यूज करके आप इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे। और बेयरिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न्स के बारे में किसी और वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो सभी में एक चीज कॉमन होते हैं, उस टाइम फ्रेम में प्राइजेशन के दौरान प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बुलिश पैटर्न मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। अभी हम चार्ट में जाते हैं। कोई भी चार्ट में हमें तीन तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और इसी तीनों ट्रेंड के बीच बीच में आपको ये सब बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ट्रेंड में हमें बुलिश पैटर्न को कब और कैसे ट्रेड करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है वो नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैं डिटेल्स में आपको समझाया किस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो इस अप ट्रेंड के दौरान आपको बुलिश पैटर्न को दो एरिया में ट्रेड करना है। एक, जब प्राइस थोड़ा थ्रोबैक करके फिर से ऊपर जाने के टाइम कोई बुलिश पैटर्न बना रहे है तब, और जब अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक करते टाइम कोई बुलिश पैटर्न बना रहे है तब। और बाय करने से पहले कुछ क्राइटेरिया को आपको देखना है। आगे जो भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा वो कोई रूल्स नहीं है, ये सब मेरा बनाया हुआ गाइडलाइंस है जो मैं ज्यादातर टाइम फॉलो करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको समझने में इजी होगा। तो ये एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के दौरान थ्रोबैक किया है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। तो फर्स्ट आपको चार्ट के ऊपर दो मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, एक 10 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज और दो 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। सेकेंड, 14 पीरियड RSI का वैल्यू लेटेस्ट कैंडल में 85 से नीचे होना चाहिए। थर्ड, लेटेस्ट 3 कैंडल में से कम किसी एक का भी लो 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए एंड लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। फोर्थ, 10 पीरियड मूविंग एवरेज का रिसेंट कुछ दिनों का वैल्यू अपवर्ड स्लोड में जा रहा है ऐसा होना चाहिए। फिफ्थ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई सपोर्ट एरिया में बनना चाहिए। ये सब कंफर्मेशन अगर फुलफिल कर रहा है तब आप प्राइस एक्शन में आओगे। इसमें रिसेंट कुछ कैंडल में सेलर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे पैटर्न बनने से कुछ सेशन पहले लंबा लंबा बेयरिश कैंडल अगर बना हुआ है तो आप उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन सब कुछ अगर सही है तो आप उस जगह पे एंट्री ले सकते हो। जो बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना है अगर उसमें प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आप नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही बाय कर सकते हो। अगर बायर्स के कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब बाय करोगे। इस एग्जांपल में प्राइस को बायर स्ट्रॉन्गली कंट्रोल किए हैं तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हमारा बाय ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। स्टॉप लॉस रखना है सपोर्ट एरिया पे जहां से बायर्स प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया था उसका थोड़ा नीचे। अभी देखिए, प्राइस कुछ सेशन बाद प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेकआउट कर चुका है। इस एरिया में भी अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पे उस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है इसको आप बुलिश मारुबोजू पैटर्न कह सकते हो। अभी आपको सभी उस क्राइटेरिया को देखना है जो मैंने पहले बताया।
तो यहाँ पे 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, 14 पीरियड RSI वैल्यू लेटेस्ट कैंडल में 85 के नीचे है, लेटेस्ट 3 कैंडल में से कम किसी एक का भी लो 10 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, यहाँ तो तीनों का ही लो नीचे है। नेक्स्ट लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। नेक्स्ट रिसेंट कुछ दिनों का 10 पीरियड मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड में है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में बना हुआ है, तो सभी कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप पहले बाय करके रखा है तो अपना ट्रेड को कंटिन्यू कीजिए, और जो पहले बाय नहीं किया है वो यहाँ नया बाय पोजिशन बना सकते हैं। इसमें आपका बाय एंट्री होगा नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही, और स्टॉप लॉस होगा इस पैटर्न का नीचे जहां से प्राइस को बायर्स ने अपसाइड पुल करना शुरू किया है उसका थोड़ा ही नीचे, और टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे इफेक्टिवली यूज करना होता है उसका पूरा डिटेल समझा है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अप ट्रेंड में आपको सिर्फ यही दो प्राइस एरिया में बुलिश कैंडल पैटर्न को ट्रेड करना है, और बाय करने से पहले जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसको चेक करना है। कोई भी पॉइंट अगर आप भूल रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और एक एक करके सभी क्राइटेरिया को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जब भी आप चार्ट देखना शुरू करोगे उस नोटबुक को अपने पास रखना। अभी हम डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करते उसका मेथड को देखेंगे। डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस जब ओवरसोल्ड एरिया में चले जाते हैं तो उस जगह से प्राइस थोड़ा फुल बैक करता है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाते हैं, और इसी अपॉर्चुनिटी को ग्राब करने के लिए हम इस एरिया में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है, तो इसको ट्रेड करने के लिए जो जो क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि जो जो स्टॉक या इंडेक्स ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो सभी स्टॉक या इंडेक्स ओवरसोल्ड एरिया में ही होगा। तो ये एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए फास्ट 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, सेकेंड 14 पीरियड्स RSI वैल्यू लेटेस्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल में 40 के नीचे होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 14 पीरियड का RSI वैल्यू लेटेस्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल में 40 के नीचे होना चाहिए। थर्ड, लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और फोर्थ, 10 पीरियड मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिस्टेंस रिसेंट कुछ पीरियड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। तो ये सभी कंफर्मेशन इसमें मिल रहा है, और क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने जा रहे हो तो प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। तो अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग प्राइस एक्शन होता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देके एक ही वीडियो में समझाना मुश्किल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, फिर आप खुद ही अलग अलग प्राइस एक्शन को इसके साथ रिलेट करके स्टडी कर पाओगे। तो प्राइस जिस एरिया से सपोर्ट लेना शुरू किया है वहां से लेटेस्ट कैंडल तक जितना भी कैंडल बना है उसे स्टडी करना है। देखिए, यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, मतलब बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने की ट्राई कर रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना के प्राइस को फिर से नीचे ले जाया गया। तो बायर्स धीरे धीरे जो कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा था, सेलर एक ही झटके में उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल से ही यहाँ पे सेल प्रेशर काम होने लगे और सेलर अपने ही कंट्रोल किया हुआ कैंडल के लो के नीचे इस कैंडल में प्राइस को लेके नहीं जा पाया। तो सेलर का अचानक स्ट्रॉन्गली जो कंट्रोल था प्राइस के ऊपर उसको खोता हुआ देख के नेक्स्ट कैंडल से ही बायर्स पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब हाई क्वांटिटी में अपना ऑर्डर्स डालना शुरू करता है, और क्योंकि सेलर इस प्राइस एरिया में सेल करने से डर रहा है तो उनका सेल ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और इस कैंडल में प्राइस को बायर्स कंप्लीटली अपने कंट्रोल में करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के क्लोज करता है। तो बायर्स और सेलर्स का जो फाइट हुआ इस प्राइस एरिया में उसको अगर मैं एक कैंडल के हिसाब से देखूं तो इसका ओपन हो रहा है यहाँ पे, लो भी इसी जगह पे, क्लोज हो रहा है यहाँ पे और हाई यहाँ पे। तो ये पूरा प्राइस एक्शन का जो नया कैंडल आपके सामने आया है जिसका रेंज और क्लोज प्राइस से हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इस दौरान प्राइस को बायर स्ट्रॉन्गली अपने कंट्रोल कर चुके हैं। तो पहले जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है उसके साथ साथ अगर प्राइस को बायर स्ट्रॉन्गली कंट्रोल कर पा रहा है तभी आप इसी एरिया में बना हुआ बुलिश कैंडल पैटर्न को बाय करोगे। तो इस एग्जाम्पल में हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा।
देखिए इस एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्गली बायर्स प्राइस को कंट्रोल कर लिया, लेकिन किसी भी चार्ट में अगर आपको प्राइस एक्शन में थोड़ा सा डाउट होता है, जैसे आपको लगे बायर्स प्राइस को कंट्रोल तो कर लिया है लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गली कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में आप 14 पीरियड्स RSI में जाओगे और उसमें आप देखोगे लेटेस्ट कैंडल में RSI 30 के नीचे से आके उसके ऊपर या फिर 40 के नीचे से आके उसके ऊपर क्लोज कर रहा है या नहीं। अगर क्लोज कर रहा है तो प्राइस एक्शन में हल्का फुल्का डाउट होने पर भी आप बाय कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में प्राइस एक्शन में कोई डाउट नहीं है तो RSI में यहाँ पर वो क्राइटेरिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये क्राइटेरिया भी इस एग्जाम्पल में पूरा कर रहा है, यहाँ पे 40 के नीचे से ऊपर जाकर RSI क्लोज किया, तो आपका बाय सिग्नल यहाँ पे जेनरेट हो गया। स्टॉप लॉस रखोगे, बायर्स जिस प्राइस एरिया में से प्राइस को स्ट्रांगली ऊपर लाना शुरू किया है उसका थोड़ा नीचे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इस ट्रेड को आप आगे ले जा सकते हो या फिर कोई रेजिस्टेंस एरिया में प्राइस टच करने पर एग्जिट भी कर सकते हो। अभी देखना है साइडवेज मार्केट में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करे। देखिए साइडवेज मार्केट में प्राइस एक रेंज में फंस जाते हैं और उसी के अंदर ट्रेड करता रहता है। इसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर रेंज के नीचे जहां सपोर्ट एरिया है वहां पे बन रहा है तो ये आप बाय करने के लिए सोचोगे, और जब ब्रेकआउट कर रहा है उस टाइम अगर बन रहा है तब आप सोचोगे। और ऐसे प्राइस एक्शन के दौरान मूविंग एवरेज कोई काम का नहीं है। इसमें मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूँ, ADX और RSI। जिस भी स्टॉक या इंडेक्स में बुलिश पैटर्न बना है उसका 10 पीरियड्स का ADX 18 से ज्यादा होना चाहिए। और इस तरह साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको बहुत ही डीपली प्राइस एक्शन का समझ होना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करना ही अच्छा है। तो अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न रेंज के नीचे जहां सपोर्ट एरिया है वहां पे बन रहा है और रिसेंट कुछ कैंडल में बायर्स का कंट्रोल ज्यादा है तो आप बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट एरिया के थोड़ा नीचे। और रेजिस्टेंस एरिया पे थोड़ा टाइम अगर प्राइस एक्शन करके ब्रेकआउट कर रहा है और उसी जगह पे बुलिश पैटर्न बन रहा है तो आप बाय कर सकते हो। और मैं डीपली प्राइस एक्शन को स्टडी करके RSI के साथ कंबाइन करके कैसे इसको ट्रेड करता हूँ उसका एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में उतना डिटेल्स देने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझा भी नहीं पाऊंगा। तो कोई भी बुलिश पैटर्न को ट्रेड करने के लिए जो मेथड मैंने आपको आज सिखाया उसको फॉलो कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक्यूरेसी पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये सिस्टम आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, एंड शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे और 1 वीक टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और इसी तरह हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।